लोहरदगा में पहले चरण के तहत किसको और पेशरार प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है। इसके तहत मतदान कर्मियों का सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों में भेजा जाना शुरू हो चुका है। पहले चरण के तहत 14 मई को होने वाले चुनाव को लेकर गुरुवार को कुल 21 मतदान कर्मियों को सिरेंग, दाग और पेशरार क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए भेजा गया। डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी आर रामकुमार, अभियान डीएसपी दीपक पांडे खुद मौजूद रहकर मतदान कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। पेशरार में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 62 है, जहां कुल मतदाता 20,608 है। इनमें पुरुष की संख्या 10,657 है, महिलाओं की संख्या 9,951 है। किसको प्रखंड में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 109 है। सुरक्षा का हम लोग क्या क्या एसओपी फॉलो कर रहे हैं? देखिए, आज प्रथम चरण के चुनाव के लिए जो हमारे एक अत्यंत ही दुर्गम जो इलाके हैं वहाँ पे जो बूथ अवस्थित हैं वहाँ के लिए पोलिंग पार्टीज़ की रवानगी आज हुई है और सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं। और आम लोगों से मेरी यही अपील है कि किसी भी डर और भय के बगैर जो है बड़ी संख्या में और बड़े तादाद में जो है बाहर आकर के वोटिंग की जाए। पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्वाइनिंग मूड में हम सभी मतदान करने जा रहे हैं। बीच में कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, आज परिस्थितियां अनुकूल हैं। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिला प्रशासन का धन्यवाद। और हम लोग सुगमता के साथ वापस लौटेंगे ये इलेक्शन करने के बाद। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।